अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। गाइस आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वाटर सर्कुलर टैंक। ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कुलर टैंक है, तो हमने इसमें वाटर फाइंड करने के, मैं इसमें कितना लीटर वाटर यूज़ होगा, इसमें कितना लीटर वाटर आएगा, कितनी इसमें मेरा वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो सबसे मैंने एक वीडियो रेक्टेंगुलर टैंक पे ही बना चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ये सर्कुलर टैंक की मैं आज बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, कि इसका कितना वॉल्यूम है, तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई बाय 4 डाई स्क्वायर हाइट। ठीक है, तो उसको मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखें, हाँ, पाई की वैल्यू तो आपको पता है, तो उसको आप जस्ट डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय डाया। मेरे पास कितना है, 5 फीट है। देखें, यहाँ से मेरे यहाँ तक जो डाया है, ये है मेरा 5 फीट, तो 5 का स्क्वायर होगा मेरे पास 25। ठीक है, हाइट मेरी 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 ही रहेगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने पे जो मेरा एरिया निकल, वॉल्यूम निकल के आता है, वो है 137.55 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो सर्कुलर का जो, जब भी आप किसी सर्कुलर चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको पाए का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया निकल के। ठीक है, अब वॉल्यूम आ गया, अब हमें फाइंड करना है कि हमारा कितना लीटर, कितना लीटर वाटर आएगा इसमें। तो आप ये याद रखिएगा और इस पूरे जो चैप्टर की तस्वीर ले लीजिएगा अपने पास, और ये चीज़ याद रखिएगा कि एक क्यूबिक फिट में, ये मैं आपको रेक्टेंगुलर वाली वीडियो में बता चुका हूँ, एक क्यूबिक फिट में आप जो लीटर आता है वो है 28.7 लीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक फिट इक्वल टू 28.7 लीटर। ठीक है, तो जस्ट हम इस पूरे जो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 28.7 से। ठीक है, तो हमारा टोटल जो लीटर इसमें यूज़ हो रहा है वो है 3948 लीटर हमारा इस वाटर टैंक में लीटर वाटर यूज़ होगा। ठीक है, अब हमने इसको गैलन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें जो, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है गैलन की कि हमें गैलन में वाटर लाना है, तो हमने पहले लीटर फाइंड करेंगे, उसके बाद जो गैलन को, बहुत सिंपल है, 1 गैलन में हमारा होता है 3.785 लीटर हमारे पास वाटर होता है। ठीक है, तो जस्ट आप इसको डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ लीटर से। ठीक है, हमारा टोटल ऑफ लीटर कितना है, 3948। ठीक है, उसको जस्ट डिवाइड करेंगे आप 3.785। ठीक है, तो हमारा जो गैलन आ जाएगा, ठीक है, गैलन है हमारे पास 1042। ठीक है, हमारे पास गैलन वाटर यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, आप बस ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल है, ये आपके लिए, ये एक स्टैंडर्ड के तहत है, 1 क्यूबिक फीट इक्वल टू 28.7 लीटर। ठीक है, 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर, तो आप ये याद रखिएगा। और मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिया कि किस तरह सर्कुलर टैंक में वाटर फाइंड होता है, तो अगर कोई भी परेशानी हो इस वीडियो के हवाले से तो कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, और मैं रेक्टेंगुलर टैंक का जो कैलकुलेशन कैसे होती है वाटर की, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप लाजमी चेक कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।